In Bihar, the civic body elections in Gaya have scripted history by electing a woman who has worked as a manual scavenger for the last 40 years to high public office. Chinta Devi has been elected deputy mayor of Gaya in the recently held municipal polls. However, such a milestone is not new for Gaya. A woman from the highly marginalized Musahar community named Bhagwati Devi, who was a stone crusher by profession, was elected to the Lok Sabha from the Gaya constituency in 1996 from Nitish Kumar's Janata Dal United. Gaya's mayor-elect Ganesh Paswan said, and I quote, "Gaya is such a place where people seek enlightenment, and it is also the place from where a Musahar woman can go to the Lok Sabha. This time the people here have set an example, probably for the entire world, by electing Chinta Devi, who used to carry human feces on her head as a sanitation staff when there were few toilets here. This is historic." Chinta Devi has also worked as a sanitation worker and a vegetable seller. Former Deputy Mayor Mohan Srivastava also supported Chinta Devi and said that she has created history by winning the election. He added that the people of the city support the downtrodden and work to take them forward in society. हम झाड़ू लगाए हैं, उसके बाद जनता तो रोड पर ला के खड़ा करके छोड़ दी। मोहन भाई थे, वो बोले इनकी ठीक है, चलिए हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी इसी को सपोर्ट से अभी हम आगे बढ़े। एक बात हमको और बोलना है, मोक्ष प्राप्ति है। गया जी में जाने माने गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, भव्य जैन मंदिर है और एशिया महादेश में अपना स्थान रखने वाला जामा मस्जिद है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग ने, ऐतिहासिक गया की जनता ने ये अपना मत दे करके माननीय गणेश पासवान जी को और माननीय चिंता देवी जी को महापौर उप महापौर बनाया। दूसरा कि इसमें सभी दल के लोग, राजनीति सभी पार्टी के लोग, कोई ऐसा पार्टी नहीं रहा होगा जो ये दोनों को अपना मतदान देने और दिलाने में सहयोग नहीं किए होंगे। हाँ, कोई पार्टियाँ ज़्यादा दी, कोई पार्टियाँ कम दी होगी, इन सब का योगदान। सभी इष्ट मित्र, शुभचिंतक, साथीगण, सभी अपने चाहने वाले लोगों ने, उनकी ये जीत है और ये गया जी की जीत है। गया जी के जनता, सभी दल, पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग की जीत है। अब यहाँ पर जो राजनीति करते थे लोग, घिनौना, गंदा, इस तरह का अफवाह, आज देखिए कि एक बड़े नेता, उनके स्वजातीय, पिछली बार 8-9 पार्षद थे चंद्रवंशी समाज से, आज 4-5 वो चुनाव हार गए। बढ़िया बढ़िया लोग, सोशल वर्कर लोग, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत से, वो 15-15 साल से लगातार जीत रहे थे, उनकी पत्नी जीत रही थी, और आज वो उस समाज से इसलिए हार गए कि जाति पाति के आधार पर करा के राजनीति बहुत दिन नहीं की जा सकती और किसी को बरगला के गुमराह करके भी बहुत दिन नहीं की जा सकती। तो वो तो चुनाव डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उनके जाति के आधार पर, जैसा मुझे अनुभव हुआ, वो लोग चुनाव हार गए, अच्छे अच्छे लोग हार गए। वार्ड 50 में सुधीर जी का पत्नी का हारना, वार्ड 34 में राकेश जी का हारना, वार्ड 30 में अरुण चंद्रवंशी जी के भाभी को हारना, ये सब पिलर थे चंद्रवंशी समाज का, मैं जानता हूँ, और अच्छा समाज सेवक भी हैं। चुनाव हार गए कोई बात नहीं, परंतु समाज सेवा में उनका योगदान रहा है अपने योगा। इसलिए मैं पुनः एक बार कोटि कोटि का हृदय दिल से गया जी के वासियों को, गया नगर निगम के वासियों को, चाहे वो मानपुर हो, चाहे वो डेल्हा हो, चाहे वो शहर का तमाम भाग हो, सभी जगह लोगों ने हर्षोल्लास के साथ वोट दिया और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।